अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क। नाज़रीन, पिंडी के, लाहौर के, कराची के, फैसलाबाद के, हर जगह के लड़के आपने देखे हैं जो गाने भी गा रहे होते हैं, प्रैंक्स भी बना रहे होते हैं, जो नेशनल लेवल के गाने भी गाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उसी तरह हमारे भखर डिस्ट्रिक्ट भखर की तहसील दरिया खान के कुछ नौजवान हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उनके मुकाबले में इनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। हमें यहाँ पर इतने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है इस तरह के, जब क्रिएटिविटी के हवाले से जब लोग सामने आते हैं तो उनको। लेकिन हमारे ये नौजवान हैं, इन्होंने PSL के हवाले से गाना गाया। और शेब अख्तर हैं जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का नसीबो लाल ने गाना गाया था तो उससे अच्छा था कि मैं गा लेता। तो मैं शेब भाई को ये कहना चाहता हूँ कि आप गाने की ज़हमत ना कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरिया खान के नौजवान ऐसे हैं कि वो ऐसा गाना गा सकते हैं कि आप अगर उनसे गिला कर रहे हैं नसीबो लाल से तो आप इनसे गिला नहीं करेंगे, इनको अप्रिशिएट करेंगे। गाना गाने वाली टीम हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा क्लिप आपने देखा है इनका। सुहेल भाई जो जिन्होंने ये गाना लिखा, उनसे सबसे पहले बात करते हैं, फिर वक्फे से सबके साथ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस इन्वायरमेंट के अंदर कैसे सोच आई, कैसे कॉन्फिडेंस आया, कैसे लोगों ने अप्रिशिएट किया या लोगों ने पीछे धकेलने की कोशिश की, फ्रेंड्स ने क्या कहा, फैमिली ने क्या कहा, टीचर्स ने क्या कहा, पड़ोसियों ने क्या कहा, अहलियाने इलाका ने क्या कहा, कैसा उनका रिएक्शन हुआ करता था। सुहेल भाई थैंक यू सो मच, आपने भखर नेटवर्क को टाइम दिया और बड़ी खुशी, यकीन मुझे बड़ी खुशी है, भखर नेटवर्क को बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरह सामने आ रहे हैं और आप लोगों ने बड़ा काम किया है, कितना ज़बरदस्त गाना गा के। तो क्या कहना चाहेंगे, जहन में कैसे आया था, लिखा कैसे था, रात को बैठ के क्या कोई पोइट्री वगैरह लिख रहे थे, क्या सीन हुआ था? शकील भी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें यहाँ पर मौका दिया और भखर नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया बोलने का, हम यहाँ पर आए हैं। असल में शायरी मेरा बचपन से शौक था, तो जी ऐसे चलते फिरते बैठते एक दो शेर पढ़ दिया करता था, तो लड़की देख के नहीं, वैसे पढ़ दिया नहीं, लड़की को देखकर ही तासुरात निकल आते हैं कुछ कुछ, तो हम शेर ऐसे पढ़ दिया, फिर ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तब PSL 5 का जब सॉन्ग आया था ना, तब भी मैंने एक सॉन्ग लिखा था, लेकिन कुछ मामला की वजह से वो रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो अब जब PSL 6 आने लगा तो मैंने कोशिश की कि मैं भी कुछ लिखता हूँ, मतलब कि अपनी सिटी का नाम ऊपर लाऊं जी। तो तकरीबन बहुत दिनों से मेरी कोशिश तो जारी थी सॉन्ग लिखने की, आखिरकार फिर तकरीबन 1.5-2 महीने मैंने सॉन्ग पूरा कर लिया, रेडी कर लिया। अच्छा, तो उसकी कंपोजिशन का फिर मसला बन गया था, कंपोजिशन के लिए मैंने इधर पता किया, उधर पता किया, इधर उधर, कहीं भी कुछ नहीं बना। फिर मैंने मतलब कि अपनी कोशिश से बाहर रब्ता किया, सॉन्ग की कंपोजिशन कराई, कंपोजिशन के बाद उसका म्यूजिक बनवाया और फिर आप सब लोगों के सामने। चलिए ठीक है, यानी कि आपने ये गाना गा लिया और आप इसके ऊपर खुश भी हैं। शहजाद भाई, आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपने इस गाने के अंदर बड़ी स्ट्रगल की है इनके साथ मिल के, आप बड़ा डांस वांस भी कर रहे हैं, बड़ा हिलजुल भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, तो आप क्योंकि पठान हैं और पठानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार वो ऐसा डांस करें या वो कुछ और ऐसी एक्टिविटी करें, तो कैसा रिएक्शन था जब आप ये प्रोग्राम इस गाने के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपकी जो फैमिली है या जो आपके दोस्त वगैरह हैं, जो आपके अब्बू थे, क्या रिएक्शन था उनका? जी दरअसल सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया, और फैमिली वगैरह में तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन भाई ने सपोर्ट किया और बड़े भाई ने सपोर्ट किया। उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका नाम गुलाम अली है और गुलाम अली, थैंक यू सो मच गुलाम अली भाई, आपने भखर के टैलेंट को सामने आने के लिए उनको सपोर्ट किया था, और वो सब इंस्पेक्टर हैं बलूचिस्तान पुलिस। अच्छा जी, बिल्कुल उनकी वजह से आज ये मकाम है। यानी कि आपको ये लगता है कि आपने जो स्ट्रगल करना चाहते थे, आपका जो ख्वाब था कि इस तरह एक गाना हो, उस गाने के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन हो, तो इसके हवाले से जो आपको सपोर्ट किया वो फैमिली के अंदर आपके बड़े भाई ने किया, और यकीनी तौर पर उनको बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने छोटे भाई को इसका सपोर्ट किया। काशान, आप काफ़ी एक्साइटेड थे इस गाने को लेकर, आप एक दो मुलाकात पहले जब आपसे हुई तो आप बड़े खुश भी थे कि हम इस तरह के गाना है और हम चाहते हैं कि वो सामने आए और हमें भी सामने आने का मौका मिले। तो मुझे ये बताएं कि आपको कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी हमारी इस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सबको ही फेस करनी पड़ती है, जो आगे आने की कोशिश करता है यहाँ पर उसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो आपने कैसे इस सफ़र में अपना पार्टिसिपेशन किया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ भखर नेटवर्क का, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलवाया, इतनी इज्जत दी। जहाँ बात रही सोसाइटी की, तो कौन सपोर्ट करता है ऐसे, देखें टैलेंट को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, बस हम जहाँ जाते थे वहाँ लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, कौन सा काम है, कोई इंसानों वाला काम, जैसे लोग कहते हैं, लोग ताने मारते हैं, तो हमने अपने हमने जो अपनी मेहनत है और जो हमारे अंदर जज्बा था ना, हमने उसको जारी रखा है। हमने ये नहीं कहा कि हम रुक जाए यार, लोग क्या कह रहे हैं, लोग जो कहते हैं कहने दे, हमने अपने जज्बे को उभारना है। ठीक है, फिर हमने सुहेल भाई की मदद के साथ और हमने अपना एक ग्रुप बनाया, हमने साथ चला, अगर हम में से कोई एक इंसान एक काम करता तो वो कामयाब ना होता, हमने अपना ग्रुप बनाया है
हम साथ चले हैं और एक आज है हमारा दोस्त जो आज हमें नहीं है, जवेद कितरान, उसे हम याद कर रहे हैं। वो भी होता तो इंटरव्यू में इंटरव्यू को और मजा आता, क्योंकि हमारा तो बहुत अच्छा दोस्त है। वो बलूचिस्तान वापस चला गया है, वो भी स्पेशली सॉन्ग के लिए आया। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन्हें इस इंटरव्यू के थ्रू, क्या मिसिंग मिस कर रहे हैं उनको? जी बिल्कुल, अपना भाई है और जिगर है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना में मजा नहीं आता। बस कुछ इशू थे जिसकी वजह से वो वापस चला गया, ठीक है, इस वजह से आज हम उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप अपनी इस कामयाबी में उनको शामिल रखते हैं, हमेशा याद रखेंगे, रखते भी हैं। जी दोस्त कौन भूलता है, जी दोस्त तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। आपका पैगाम भी इंशाल्लाह वहां तक पहुंच गया। और आकाश भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि आप बड़े एक्टिव हैं इस गाने में, आपका जो डांस वगैरह के जो क्लिप्स हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं, तो किस तरह आपने इनके साथ पार्टिसिपेट करने का इरादा किया, किस तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यार PSL का गाना गाना है हमने, हमारा कहाँ से ये काम होगा, हमारी उम्र या हमारी अभी स्टूडेंट हैं, तो कैसे आपने लोगों ने मैनेज किया, आपने किस तरह पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर? सबसे पहले तो शकील भैया आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना अच्छा हमारा इंटरव्यू लिया। तो बात असल में ये है कि सुहेल भाई ने एक गाना लिखा, उसको दे दिया। जब वो गाना इन्होंने मुझे एक दो दिन पहले कहा कि क्या यार आपको ना एक न्यूज़ सुनानी है, आपको मैं एक न्यूज़ सुनाऊंगा, अच्छा, और आप खुश हो जाएंगे। अच्छा। पहले हम ये काम करते रहते हैं, हमारे गाने खबरों में भी आना शुरू हो गए। अच्छा, सरप्राइज न्यूज़। सरप्राइज न्यूज़ थी, मुझे कह रहा था कि कह रहा मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। उस वक्त काम कर रहे थे, ये कह रहे हम मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मैंने कहा यार क्या सरप्राइज है, कुछ दिनों बाद कह रहा है कि यार मैंने एक गाना लिखा है और मैंने गवा भी दिया है गाना और वो आ रहा है, और मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इस पर परफॉर्म कौन करेगा, लिप सिंग इस पर कौन करेगा। तो बड़े परेशान थे, एक दो बंदों को हमने कहा भी है कि यार आप आ जाएं, तो कोई भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा सुहेल भाई आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ, आप स्टार्ट करें। तो इस तरह हमने स्टार्ट किया और मेरी लिपसिंग मैच हो गई, ठीक है, और पहले से ही मुझे बड़ा शौक था इन चीज़ों का, और मेरे साथ ये चीज़ें होती भी बाई चांस हैं, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें मुझे बाई चांस मिलती सामने ही आ जाती हैं। हाँ, तो मैं कब से स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, तकरीबन 2 क्लास से स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ों के बारे में। इंटरेस्ट था उस वक्त, इंटरेस्ट जब भी कोई फंक्शन होता था तो कहते हैं यार कौन परफॉर्म करेगा, तो ये आकाश, ठीक है, आकाश ने छक्के छुड़ा दिए सबके। और यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा काम किया मैंने, इतने ज्यादा 3-4 फंक्शन हुए हैं, वो सारे मैंने। आपका ये गाना आपके यूनिवर्सिटी फेलोज तक जाएगा यकीनी तौर पे। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है आपके टीचर्स तक भी जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटियों के अंदर? तो क्योंकि वहाँ पर ऐसी जब नई चीज सामने आती है ना क्लास के अंदर, तो वो एक बार तो सब हंसते हैं, भाई तू शक्ल देख अपनी और तूने ये काम क्या किया हुआ भाई, हाँ ऐसा ही होता है। तो आपको क्या लगता है कि आप यूनिवर्सिटी जब वापस जाओगे अभी, तो आपकी क्लास में आपको किस तरह वो देखेंगे, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल अप करेंगे? पहले तो अल्लाह का शुक्र है कोरोना है जी, जाना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो जब से ये काम शुरू किया तो उस वक्त से कोरोना ही आया हुआ है, तो जब जाएंगे तो फेस करेंगे तो इंशाल्लाह पॉजिटिव व्यू मिलेंगे, पहले भी पॉजिटिव पूरी उम्मीद है हम। चले ठीक है, ठीक है, हम शेख भाई से बात करते हैं। शेख भाई आप तो बड़े मासूम से और बड़े खामोश तबीयत के लगते हैं आप, आपके जहन में ये कैसे आया, या आपके बिना घर से नहीं निकालो, क्या काम कर रहे हो भाई? सबसे पहले तो शकील भाई आपका शुक्र गुजार हूँ, ये गाना सुहेल ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे तरीके से लिखा, और इस गाने में हम सबको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया कि आ जाओ। यस, आपको भी बुलाया कि आ जाओ, हमको बुलाया, आप आ गए, हम और वापस जब घर गए तो अब मैंने घुसने दिया। बस इनकी मोहब्बत से हम आए हैं गाने में और इनके सारा किरदार है। अच्छा, दुआगो हैं आप अपने सुहेल भाई के गाने के लिए कि इनका गाना जो है वो वायरल हो जाए, वो लोग पसंद कर लें और जैसा नसीबोलाल का हाल हुआ है वैसा इनका ना हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह ये गाना मशहूर होगा, बहुत ज़्यादा मशहूर होगा, बहुत ज़्यादा मशहूर होगा इंशाल्लाह। काशान मुझे ये बताएं आप कि इस तरह जब कोई भी आप जैसे आप सामने आए हैं लोग और आप बड़े माशाल्लाह कॉन्फिडेंट भी हैं, आप बड़े एक्साइटेड भी हैं इस गाने को लेकर, आप बड़े खुश भी हैं इस चीज़ को लेकर, तो मुझे आप ये बताएं कि आप क्योंकि आप एक नया काम एक नया आइडिया लेके आए हैं अपनी सिटी के अंदर और आपके लिए ये बड़ी बहुत अच्छी चीज़ भी है, तो जो यंगस्टर्स हमारे बखर के जो यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि वो कुछ करें मगर वो खौफ की वजह से रुक जाते हैं, खौफ की वजह से रुक जाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? उनके लिए पैगाम है कि अपने जो अंदर जज्बा है ना
उसको ना छुपाएं, वो ये ना सोचें कि हमें लोग क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग आपके पीछे आएंगे, वही लोग आपके साथ सेल्फी बनाने आएंगे, वही लोग जो आपके घर वाले हैं वो आपका साथ देंगे कि हमारा बेटा कामयाब होगा। हाँ, हमारा बेटा। हाँ, फिर वो जहाँ तारुफ भी करवाएंगे, पहले अपना नाम बताया करते थे, फिर जी नहीं, वो काशान जानते हैं आप, जो मेरा बेटा है, अच्छा अच्छा, मेरा छोटा भाई है, अच्छा अच्छा। जब पहले आप शुरुआत करते तो वो कहते हैं बस छोड़ यार, ये क्या बेटा मेरा, कौन से काम है। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो कहेंगे ये मेरा बेटा है, बड़े फख्र से कहेंगे। ठीक है, तो अपने जज्बे को उभारें। और अपना एक जो एक बंदा तो होता है तो वो थोड़ी मुश्किल होती है, तो अपना कोशिश करें, अपना ग्रुप बनाएं, क्लास फेलोज होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके कदम के साथ कदम मिला के चलें, अपनी एक सोच उभारें और अपना टैलेंट जो है सोसाइटी के अंदर दिखाएंगे आप क्या है, हमारे अंदर क्या टैलेंट है। सुहेल भाई, प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते मैं आपका पैगाम देना चाहूँगा, आपका ये गाना देखने वालों के हवाले से, वो लोग जो आपका ये गाना सुनेंगे उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? सन करें इसको, चेक करें मेहनत कितनी की है, अप्रिशिएट करें, अच्छा लग रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपने सॉन्ग को खुद से बेस्ट विशेस कहूंगा कि इंशाल्लाह अच्छा चले। इंशाल्लाह। सॉन्ग पर बहुत ज्यादा मतलब कि मेहनत की है, दिन रात मैंने किया सॉन्ग लिखने के लिए, एक एक लाइन मतलब कि लिखी है, फिर सोची है, फिर लिखी है, और इस सॉन्ग की वजह से कई बार मुझे कॉलेज में मार भी पड़ी है, काम याद नहीं होता। अच्छा, कैसे याद करता जब ये लिख रहा था। हमारे सुहेल भाई ने कॉलेज के अंदर मारे खा खा के गाना लिखा है, तो देखने वालों ने पसंद जरूर करना है और अप्रिशिएट भी जरूर करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि इनका गाना कैसा है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे जी? और मतलब कि अबू ने भी मुझे बहुत ज्यादा मेरा साथ दिया है। अबू ने साथ दिया है? अम्मी ने तो नहीं दिया, लेकिन अबू ने दिया। अच्छा 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 जी, तो उन्हें सारा क्रेडिट मेरा उनको जाता है, उनके बाद मेरे दोस्तों को जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। आपके दोस्तों ने साथ दिया, आपकी आपके फादर जो है उन्होंने साथ दिया, आपकी मदर जो है वो शायद उनको ना पसंद आया हो, लेकिन हम सुहेल भाई की मदर को भी यही पैगाम देना चाहेंगे कि अल्लाह करेगा आपके बेटे का गाना वायरल हो जाएगा, और फिर आप खुद ही अपनी पड़ोसियों को बताती फिर रही होंगी कि भाई गाना जो जिसने गाना गाया वो मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ऐसा दिन आएगा। और अगर बच्चों के अंदर आप देखेंगे वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ नया है, उनके अंदर कुछ करने का शौक है, जुनून है, जज्बा है, तो उनको रोकिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। हम सब बखर वाले इन नौजवानों के साथ खड़े हैं, हम इनका गाना देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे, और जहां तक हो सका इनके गाने को आगे लेकर जाने की कोशिश भी करेंगे, और इसके लिए जैसे हमेशा भक्कर नेटवर्क की कोशिशों से अलहमदुलिल्लाह अहलियाने भक्कर इकट्ठे हुए हैं, इन नौजवानों के लिए भी हम उसी तरह एक बार फिर इकट्ठे होंगे, और बहुत सारी दुआएं इन बच्चों के लिए, बहुत सारी दुआएं उन सब स्टूडेंट्स के लिए, उन सब यंगस्टर्स के लिए कि जो इस तरह का काम करना चाहते हैं या जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके सक्सेस के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाबियां दे। बहुत सारी दुआओं में याद रखें कि जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, उस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।